এগৰাকী বলিউডৰ অভিনেত্ৰীক ধৰখনৰ ভাবুকি। আমিষা পেটেলক ধৰখনৰ ভাবুকি দিছে এজন নেতাই। লোক জনশক্তি পাৰ্টিৰ নেতা ডাক্তৰ চন্দ্ৰপ্ৰকাশৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। বলিউডৰ এগৰাকী মহময়ী অভিনেত্ৰী আমিষা পেটেল হামৰাজ কাহোনা পিয়াৰহে গাদাৰৰ দৰে ইখনৰ পিছত সিখন ছবিত অভিনয় কৰি দেশবাসীৰ মন জয় কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আমিষা পাটেলক, কিন্তু বিহাৰৰ পৰা উভতি আহিয়েই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বিস্ফোৰণ। মই বিহাৰত ধৰখনৰ বলি হলোহেঁতেন, নহলে মোক হত্যা কৰিলেহেঁতেন। নমস্তে, মই আমিষা পাটেল বোল ৰহি হুঁ। কল 26 অক্টোবৰ মই আই থি বিহাৰ ইলেকশ্যন কে লিয়ে ইন পাটনা एज गेस्ट ऑफ डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी। मैं सिर्फ इसलिए ये मैसेज भेज रही हूँ क्योंकि प्रकाश चंद्र जी ने एक मेहमान, एक अकेली लड़की और एक फिल्म स्टार, एक अभिनेता का बहुत अपमान किया, ब्लैकमेल किया, बुरी तरह से सलूक किया। मैं उनकी मेहमान 2 घंटे के रैली के लिए आई थी। मुझे कहा गया था कि लोकेशन पटना से 2 घंटा दूर है, जो था 3 घंटा। फिर मुझे कहा गया कि मैं अपनी शाम की फ़्लाइट ले सकती हूँ, जो 6:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मेरे हाथ में अपने रिटर्न टिकट भी थे। मैं वहाँ उनके लोकेशन पे पहुँची, उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना कैंपेनिंग करवाया। जब मेरी वापसी का टाइम आया, जो तकरीबन 2:15 बजे दोपहर का था, ताकि मैं एयरपोर्ट टाइम पर पहुँच के मेरी बॉम्बे की फ़्लाइट ले सकूँ, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस गांव में रुके नहीं और मेरी तमन्ना है, जो मेरी कैंपेनिंग है, आपने नहीं की, तो मैं आपको अकेले इस गांव में छोड़ दूंगा और फिर आप यहीं मर जाएंगे, क्योंकि ये गांव नहीं मैं जानती थी, 3 घंटा दूर पटना सिटी से था, हजारों करोड़ों लोग मेरे इर्द गिर्द थे, मुझे ना किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, लोग मेरे गाड़ियों पे क्रेजी की तरह मार रहे थे, अशुभ चीज़ें कर रहे थे, ठोक रहे थे, मेरे जान को बहुत खतरा था। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे चुपचाप इस ब्लैकमेल को सहा है। मैं अपने रूम होटल में पहुँची हूँ तकरीबन 8:15 बजे रात को, जबकि मैं 10:00 बजे से निकली थी। ना मैं अपने बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ पाई, उन्होंने ना केयर किया, उल्टा उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैं अपने गाड़ी से उतरूं और लोगों के बीच में, जहां लोग कपड़े उछालने के लिए तैयार थे, ये कहूं कि प्रकाश जी के लिए वोट दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं बिहार की मेहमान थी, मैं उनकी मेहमान थी। जो इंसान एक अकेली लड़की का इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, जो एक बिहार के मेहमान को इतनी बुरी तरह से, इतना खराब वार्तालाप और इतने बुरी तरह से, खिदमत तो छोड़ो, ब्लैकमेल करके उनके लाइफ को थ्रेटन कर सकते थे। मेरी रेप हो सकती थी, मेरे साथ कुछ भी सलूक हो सकता था, उन्होंने केयर नहीं किया। अगर वो एक ऐसे लड़की के साथ ये सलूक कर सकते हैं, तो उनके नेता बनने के बाद वो क्या किसी के वादे पूरे करेंगे, वो क्या किसी आम आदमी के दुख सुख को संभालेंगे, जब वो मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात, घटिया और डरावनी रहा है कि मुझे दोबारा वहाँ आने के लिए बहुत, मतलब मैं एक नाइटमेयर से गुजरी हूँ। ना मैं पूरी रात सो पाई हूँ, ना कुछ खा पाई हूँ। मैं सुबह उठी और मैंने अपनी जल्दी से फ़्लाइट ले ली बॉम्बे रवाना होने के लिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ ताकि लोगों में ये अवेयरनेस बढ़े। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एक बहुत लायर, ब्लैकमेलर और एकदम गंदे किस्म के इंसान है। जय हिंद। अभिनेत्री आमिषा पेटेलर ये अभियोगक लो एतिया देखजुरी सांसल्य, किंतु कार विरुद्ध ये अभियोग आरो किया एतिया खुनक घटनार सविशेष। বিহারৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টি অৰ্থাৎ LIPৰ এজন নেতা ডাক্তৰ চন্দ্ৰপ্ৰকাশ, এগৰাকী নেতাৰ বিৰুদ্ধেই অভিযোগ অভিনেত্ৰী আমিষা পাটেলৰ। আমিষাৰ অভিযোগ, বিহাৰৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত চন্দ্ৰপ্ৰকাশে আমিষাক ব্লেকমেইল কৰিছিল। কেৱল ইমানেই নহয়, অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্য, চন্দ্ৰপ্ৰকাশে তেওঁৰ সৈতে অভব্য আচৰণ কৰিছিল,
বিহারৰ নির্বাচনী প্রচাৰৰ পৰা উভতি অভিনেত্রী আমিশাই তুলে এই বিস্ফোরক অভিযোগ। সম্প্রতি আমিশাৰ এই মন্তব্য সোশিয়াল মিডিয়াতো ভাইরেল হৈছে। তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হল, অভিনেত্রীগৰাকীয়ে নিজে উল্লেখ কৰিছে যে এইগৰাকী লোক জনশক্তি পার্টির নেতা ডাক্তর চন্দ্রপ্রকাশৰ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়ে আমিশা গৈছিল বিহারৰ নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ। বিপরীতে এই পর্যন্ত সমগ্র ঘটনাক লৈ লোক জনশক্তির নেতা ডাক্তর চন্দ্রপ্রকাশে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা নাই। ব্যুরো রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি। মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাইকাৰী। জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ রং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।